जय हिंद, जय भारत। और आप देख रहे हैं मेरे साथ सीसीएन न्यूज 24 चैनल। मैं हूं आपके साथ दिनेश गरग जैन, वही कड़वे सवालों वाला। मौजूद हूं भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर, और रोहिणी का ये एरिया है। एक होंडा सिटी की, मतलब हुंडई की गाड़ी है ये होंडा सिटी, जिसका नंबर है DL4CAH9731, और काले रंग की एक गाड़ी है। और ध्यान से देखें, गाड़ी है बिल्कुल रास्ते में खड़ी है। देखें एक बार, पूरा ट्रैफिक जाम है सिर्फ इस गाड़ी की वजह से। देखिए आगे पीछे, अगर जहां पर भी नजर आपकी जाएगी, पूरे में आपको ट्रैफिक रुका हुआ मिलेगा। पूरा ट्रैफिक कंट्रोल नहीं हो पा रहा, क्यों? क्योंकि ये गाड़ी रास्ते में खड़ी है। और ये जिस हिसाब से गाड़ी की हालात आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं किसी ने बड़ी जान बूझ करके इस गाड़ी को टक्कर मारा है। देखें ध्यान से, अगर आगे से देखेंगे तो भी कहीं ना कहीं या तो ईंट मारी है या कोई औजार मारा है, जिसके कारण ये शीशा टूटा है। अगर यहाँ का देखेंगे, यहाँ का भी शीशा तोड़ दिया गया है। पीछे से देखेंगे तो बड़ा जबरदस्त और जोरदार टक्कर है। देखें पूरी गाड़ी यहाँ पे दब गई है, पूरी गाड़ी यहाँ पे दब गई, काले रंग की गाड़ी है। और पीछे से भी इसकी नंबर प्लेट वो हट गई है, और गाड़ी की हालात बिल्कुल इस समय खराब हो चुके हैं। और सिर्फ इस गाड़ी की वजह से ना जाने कितनी गाड़ियों को इस समय समस्या का सामना करना पड़ा, मतलब ट्रैफिक जाम की समस्या इस गाड़ी की वजह से है। और ये बता दूं, ये और कहीं नहीं है, भारत देश की राजधानी दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 7 में, मतलब सेक्टर 7 का ये एरिया है। अगर इस तरफ देखेंगे तो सेक्टर 7 का ये एरिया है, और मेन रोड पर, मतलब साईं बाबा चौक पर ये जो है हादसा हुआ है। और बड़ी गंभीर तरीके से यहाँ पर चोट लगी है। देखें अगर इस तरफ देखोगे गाड़ी के अंदर, अंदर भी अभी भी यहाँ पर कुछ सामान है, जो गाड़ी के अंदर पैसेंजर रहे होंगे उनका सामान है, बैग वगैरह रखा है। और पीछे लिखा है कि हरियाणा, मतलब हो सकता है ये लोग जो अंदर बैठे थे वो हरियाणा से बिलोंग करते हो। भाई तुमने क्या देखा था इसके बारे में? कुछ भी नहीं देखा भाई, हमने कुछ नहीं देखा। मैंने देखा जी, क्या नाम आपका? निर्मला जी। 3-4 लड़के आए थे, इसकी गाड़ी को तोड़ कर चले गए, दोनों लड़के इस साइड में भागे। 3-4 लड़के आए और ये गाड़ी तोड़ के गए हैं। हाँ। ये पीछे से कैसे एक्सीडेंट हुआ क्या? एक्सीडेंट नहीं हुआ, उन्होंने मारी, उन्होंने मतलब डंडे से मारा इसको। अच्छा। 3-4 लड़के आए थे, वो दो लड़के बेचारे यहाँ से गाड़ियों से अपनी जान बचा के उधर की तरफ। अच्छा, गाड़ी के अंदर दो लड़के थे और 3-4 लड़कों ने उनके ऊपर हमला किया है। हाँ। किसी पुलिस वाले ने कोई अभी तक पता लगा, उस पुलिस वाले को? अभी की तो बात है, ज्यादा देर की बात नहीं। कितनी देर पहले? 5 मिनट भी नहीं हुए। 5 मिनट तो मुझे ही हो गए यहाँ पर। यहाँ तक कितनी देर लगेगी? मैं यहाँ से देख के गई थी ना पीतमपुरा, फिर मैं वापिस आई हूँ। बस है भाई, 15-20 मिनट हो गया। कितना टाइम लगा? 5-10 मिनट हो गए। 15-20 पुलिस नहीं आई, कोई भी नहीं आया। आपने देखा था क्या हुआ था? नहीं नहीं, मैं जो आया था जो पहले ही था, ये मैडम देखे। लेकिन बाकी मैं चाहूंगा यहाँ के क्षेत्रीय जो भी क्या नाम है थाना अध्यक्ष महोदय हैं, और ये साईं बाबा चौक है, यहाँ पर भी पुलिस प्रशासन यहाँ पे गश्त लगाता होगा, उन्हें चाहिए इसको इस समय साइड में लगा के या तो थाने में लेके जाएं या इसको साइड में लगाएं दरकिनार, क्योंकि इस गाड़ी की वजह से इस समय पूरा ट्रैफिक जाम हो रहा है। एक गाड़ी की वजह से पूरा ट्रैफिक जाम हो रहा है। और मैडम ने अभी बताया कि यहाँ पर 3-4 लड़के आकर के इस गाड़ी के ऊपर हमला बोला है, और जिसके अंदर दो लोग जो सवार थे वो अपनी जान बचा करके भागे। देखिए गाड़ी को कितना नुकसान पहुंचाएगा, देखिए ध्यान से, यहाँ पर पूरी गाड़ी इन लोगों ने जो है ये देखें ध्यान से, और नीचे भी यहाँ पर पूरे में आपको गाड़ी के जो पार्ट्स हैं, कांच वगैरह शीशा है वो टूटा हुआ मिल जाएगा। और पूरी गाड़ी की हालात जो है वो वाकई बद से बदतर कर दिया कहीं ना कहीं बदमाशों। लेकिन इससे एक चीज और भी ये पता लगती है कि इस समय जो है बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं दिल्ली के अंदर, भारत देश की राजधानी में बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं कि सड़क के मतलब बीच बाजार सड़क के बीच में जो है 4 लोग आते हैं और एक गाड़ी को इतना नुकसान पहुंचाते हैं, और 2 लोगों को अपनी जान बचा करके गाड़ी में से निकल के जाते हैं। चाहूंगा एक बार यहाँ पे क्षेत्रीय थाना अध्यक्ष महोदय से कि एक बार इस गाड़ी के एक बार यहाँ पे कम से कम साइड में लगवा दें या इसको थाने के अंदर ले जाएं, क्योंकि सिर्फ इस गाड़ी की वजह से जो है इस समय पूरा यहाँ पर जो है सड़क के अंदर ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। जय हिंद, जय भारत।